स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए टॉप 10 की सीरीज ला रहे हैं और आपने प्रश्नों को देखा होगा तो जरूर आप समझे होंगे कि सर आपके लिए कितना परिश्रम मेहनत। तो अपने भाई बहनों के लिए ये टॉप 10 की सीरीज पुनः मैं लाया हूँ, टॉप 10 फोर। तो ये आपके पार्ट 4 है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उद्देश्य ये है कि आप सबको सफल कराना है, बिल्कुल किसी भी कीमत पे सफल कराना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग टॉप 10 फोर, हिंदी शिक्षण का टॉप 10 फोर। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, एक भाषा अध्यापक को शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखिए आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी दिया है, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखिए एक भाषा अध्यापक को क्या करना चाहिए भैया, समझिएगा। सबसे मेन चीज मैंने आपको बताया था, कीवर्ड आपको बताया था कि भाषा का प्रयोग और बालक को अधिक से अधिक अवसर देना। तो भैया अवसर सब में मिल रहा है, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ, लेकिन ये एकाकी है, केवल अलंकार की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। देखिए और को भी देखिए, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना, केवल सिद्धांतों की बात कर रहा है, शुद्ध भाषा प्रयोग, केवल शुद्ध भाषा प्रयोग की बात कर रहा है, लेकिन यहां देखिए विभिन्न संदर्भों में, मतलब यहां पे अलंकार भी आ गया, भाषा सिद्धांत भी आ गया, शुद्ध भाषा प्रयोग भी आ गया और सब कुछ भी आ गए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। तो याद रखिए मैंने यहां पे आपका डी ऑप्शन होगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना पर बल देना चाहिए। यहां पे वो सभी विशेषताएं आ जाएंगी, भाषा अध्यापक जो चाहेगा वो सभी विशेषताएं, भाषा की शुद्धता, भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में प्रयोग। तो आपका अगर इन चारों विकल्पों में हम बात करें आपसे, तो चारों विकल्पों में द बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। अब यहां से आपके अंदर एक ट्रिक का जन्म हुआ, देखिए एक ट्रिक आप बना लीजिए, जो एकाकी संदर्भ में होंगे, जैसे अलंकारिक केवल अलंकार की बात कर रहा है, भाषा सिद्धांतों की समझ केवल सिद्धांतों की बात कर रहा है, भाषा प्रयोग की क्षमता शुद्ध भाषा केवल शुद्ध भाषा की बात कर रहा है, तो जो एकाकी ये किसी एक पक्ष को लिए हुए हैं, इसलिए आपने इन्हें अवॉइड करके द बेस्ट जो आंसर आपने ले लिया यहां पे विविध संदर्भों में, विविध संदर्भों में। तो भैया यहां पे ये सभी आ गए, ठीक है। तो आप अपने अंदर एक ट्रिक बना लीजिए कि अगर किसी एकाकी संदर्भ में कोई भाव दिया गया है और कोई ऐसा भाव दिया है जिसके अंदर सभी सन्निहित हो जाएंगे विविध संदर्भों में, इसका मतलब ये सारे पॉइंट सन्निहित हो जाएंगे यहां पे, ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे, तो इससे बेहतर विकल्प, इससे बेहतर आंसर कुछ और नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से प्रश्नों को कैसे करना है, मैं आपको तरीके, मैं आपको कोशिश एक प्रयास मेरा जारी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अन्य विकल्प को हटाएंगे और यहां पर आपका उत्तर जो हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है भाषा के दृश्य सामग्री की उपलब्धता, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा। देखिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है, यहां भी देखिए वही बातें हैं, यहां पे भाषा के दृश्य सामग्री की उपलब्धता, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा। देखिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पहलू है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, याद करिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि प्रयोग कर सके, अवसर उपलब्ध करा सके, तो भैया समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, बालक को अधिक से अधिक ऐसे परिवेश उपलब्ध कराइए। अब इस परिवेश उपलब्धता में यहां पे व्याकरण भी आ जाएगा, यहां दृश्य सामग्री भी आ जाएगा, यहां पे लिखित परीक्षा भी आ जाएगा, यहां पे वो सब कुछ विशेषताएं आ जाएंगी, समृद्ध भाषा परिवेश में सारी विशेषताएं आ जाएंगी। मतलब यहां भी देखिए आपका ट्रिक काम कर रहा है कि यहां पर यह व्यापक भाव लिए हुए है, समृद्ध भाषा परिवेश,
ये व्यापक भाव लिए हुए हैं। तो जो मैंने आपको ट्रिक पहले से बताया वही ट्रिक यहां भी काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो व्यापकता लिए हुए आंसर रहेगा, जो विकल्प व्यापकता लिए हुए रहेगा जिसमें अन्य विकल्प भी समाहित हो जाएंगे, सन्निहित हो जाएंगे, उसे आप आंसर के रूप में ले लेंगे। तो समृद्ध भाषा परिवेश में भाई सब आ जाएंगे। समृद्ध भाषा परिवेश में दृश्य सब सामग्री की उपलब्धता, भाषा के व्याकरण की जानकारी, लिखित परीक्षा, उच्चारण, बोलना, चारों कौशल भी आ जाएंगे। इसमें चारों कौशल आ जाएंगे। समृद्ध भाषा परिवेश में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशलों का सम्मिश्रण हो रहा है। कहने का मतलब इससे बेहतर विकल्प आपके लिए दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए बिल्कुल भी आप उलझिएगा नहीं। आपका भाई आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। आपके लिए एक एक कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों ये आपका आंसर होगा। अन्य आंसरों से मैं तुलना भी करा दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़िए। इस तरह से मेरे जो टॉप 10 के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे वीडियो चल रहे हैं, पिछले भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, भाषा और लिप के बीच कोई संबंध नहीं होता, एक निश्चित संबंध होता है। कोई निश्चित संबंध नहीं होता, एक तार्किक संबंध होता है। तो भैया मैंने आपको बताया है कि भाषा वो होती है जिसकी अपनी एक लिपि हो और जिसे लिखित रूप में स्पष्ट किया जा सके। मेरे नोट्स, मेरे मैंने क्लासेस में बहुत स्पष्ट तौर पे इन चीज़ों को स्पष्ट किया है, बताया है। तो भैया भाषा वो होती है जिसकी अपनी एक लिपि हो। मतलब भाषा और लिपि में क्या होता है, एक निश्चित है, भाषा और लिपि में एक निश्चित संबंध होता है। ये आप क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध, वाइगोस्की, चोमस्की, पियाजे, स्किनर। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा चोमस्की। देखिए चोमस्की महोदय के कुछ स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। पहला तो भाषा अर्जन जन्मजात होता है, यानी बालक का जन्म हुआ है तो भाषा अर्जन करेगा। तो किसने कहा भाषा अर्जन जन्मजात होता है, तो नॉम चोमस्की। बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, दूसरा स्टेटमेंट। किसने कहा कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, नॉम चोम्स्की। बालक में भाषा सीखने की क्षमता अंतर्निहित होती है, अंतर्निहित भाषा क्षमता, वही बात है। बालक में भाषा सीखने की क्षमताएं उसमें अंतर्निहित होती हैं, ये किसने कहा, नॉम चोम्स्की। इसी को आप कह सकते हैं अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध है। तो किससे संबंध है बताइए, चोम्स्की से। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया याद रखिएगा, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। यस, चलिए देखिए, बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होनी चाहिए। देखिए स्कूल की भाषा, आस पड़ोस की भाषा और घर की भाषा में क्या होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। लगभग लगभग मिलता जुलता रहेगा तो भाषा का विकास तेजी से होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, समरूपता हो जाएगा। तो बिल्कुल समरूपता होनी चाहिए, मिलता जुलता रहेगा तो भाषा का विकास तीव्र गति से होगा। ठीक है, यस। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। बच्चों के प्रति अतिउदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, बच्चों की कुछ आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अब देखिए यहां पे गौर करिएगा, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण, देखिए ध्यान दीजिए, समावेशी वातावरण जहां पे कई प्रकार के छात्र हैं, अधिक ज्ञान वाले, कम ज्ञान वाले, या कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनको कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, तो समावेशी कक्षा में प्रत्येक प्रकार के छात्र होते हैं। ऐसी स्थिति में अति उतारवादी दृष्टिकोण ये ठीक नहीं है। बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, ये तो बहुभाषी कक्षा में होता है विविध भाषाओं को, यहाँ समावेशी कक्षा की बात हो रही है। बच्चों की कुछ आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, ये कुछ आवश्यकताएं क्या होती हैं भाई, है ना। बच्चों को विविध दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि समावेशी कक्षा है। कुछ ऐसे बालक हो सकते हैं जिनको श्रवण या दृश्य में समस्या हो, या मतलब हर तरह से बच्चों की हेल्प की जाए। तो इससे यहाँ पे इन चारों विकल्पों को देखा जाए तो ये सबसे द बेस्ट विकल्प होगा, बच्चों को विविध दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि कक्षा कैसी है, समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा है।
तो यहां पे इन विकल्पों की स्थिति में डी ऑप्शन, इन चारों विकल्पों की स्थिति में डी ऑप्शन द बेस्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। अब देखिए समाज की बातें किसने कही, किसने की, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो सामाजिक की बात देखिए हर जगह की जा रही है, किसने किया बताइए, वाइगोत्स्की महोदय ने। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, ये स्टेटमेंट वाइगोत्स्की का है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर का आधार नहीं है। देखिए भाषा अधिगम और भाषा अर्जन की व्याख्या मैंने बहुत अच्छे से किया है, मेरे नोट्स में भी दिया गया है, क्या कह रहा है, अंतर का आधार नहीं है। देखिए सहजता में अंतर होता है, आप याद करिए, जब आप भाषा अर्जन होता है तो बालक के लिए सहज होता है ना, यूं ही। लेकिन भाषा अधिगम में चीजों को एक प्लांड वे में तैयार कराया जाता है, एक उद्देश्य पूर्ण होता है, तो ये हमेशा वो सहज नहीं होता है, हमेशा सहज हो ये आवश्यक नहीं है। तो यहां पे भाषा अधिगम भाषा अर्जन में अंतर का, यहां पे अंतर होता है, स्वाभाविकता में भी अंतर होता है, अर्जन में स्वाभाविक होता है और अधिगम में विशेष वातावरण होता है, उद्देश्यपूर्ण वातावरण होता है, स्वाभाविक वातावरण नहीं होता, वहां पर उद्देश्यपूर्ण वातावरण होता है। कुशलता, अब कुशलता की बात किया जाए तो यह भी अंतर का आधार है, यहां पे अधिगम में बालक को कुशल बनाया जाता है, कुशल बनाना ही उद्देश्य होता है, लेकिन अर्जन में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि कुशल बनाना है, ठीक है। तो यहां पे ये तीनों अंतर का आधार है। और सांस्कृतिकता, मेरे नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, सांस्कृतिक जो है, अब आप प्रारंभिक उम्र के बालकों की बात किया जाए तो सांस्कृतिकता से बहुत कुछ लेने देना नहीं है, भाषा अर्जन भाषा अधिगम वो सांस्कृतिक से लेना देना बहुत नहीं है, तो ये अंतर का आधार नहीं है। शेष तीनों स्थितियों में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की स्थिति में अंतर होगा, दोनों में अंतर होगा, और ये चीजें मैंने पहले भी बताई है, इसकी व्याख्या की है। तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो सांस्कृतिक, सांस्कृतिकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, बिल्कुल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, कुशलता, भाषा अधिगम का उद्देश्य होता है कि कुशल किया जाए और भाषा अर्जन में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है, स्वाभाविकता मतलब ये अंतर का आधार हो गया, ये अंतर का आधार हो गया, हाँ स्वाभाविकता ये भी अंतर का आधार होता है क्योंकि अर्जन स्वाभाविक तरीके से और जबकि अधिगम में विशेष वातावरण होता है, हाँ सहजता, अर्जन में सहजता होती है, ये भी अंतर का आधार होता है जबकि अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, विशेष वातावरण में होता है, औपचारिक होता है, अधिगम जो होता है वो औपचारिक होता है, मतलब वहां पे एक योजना होती है अधिगम में, तो ये भी अंतर का आधार है। तो जबकि संस्कृत से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है, तो ये अंतर का आधार नहीं होता है, संस्कृत दोनों का भाई, अर्जन के समय भी संस्कृत वही हो सकती है और अधिगम के समय भी संस्कृत वही हो सकती है बालक की, तो ये अंतर का आधार नहीं है। पूरी कोशिश मेरी ओर से पूरी कोशिश जारी है, क्लासेस में भी हमने एक एक चीजें नोट करके लिखवाया हुआ है पूरा स्पष्ट, आप लोगों को हमारे नोट्स में भी ये चीजें दी गई हैं, स्पष्ट लिखवाया गया है, पूरी कोशिश हमारी जारी है, टॉप 10 की सीरीज हम आपको दे रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से कर पाएंगे, तो ये टोकेंगे, ये गलत है टोकना, उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो सुधार नहीं होगा, ध्यान नहीं देंगे तो सुधार नहीं होगा और पाठ जारी रखेंगे, उसे टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोहराएंगे। देखिए कह क्या रहा है, हिंदी भाषा की कक्षा, हिंदी भाषा की कक्षा में,
एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब कक्षा किसकी है, हिंदी भाषा की है, आपका उद्देश्य है कि हिंदी बच्चे को आए, क्योंकि हिंदी भाषा कक्षा है, तो आप क्या करेंगे, उसे टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के, देखिए हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोहराएंगे, वाक्य दोहराएंगे, इससे हिंदी का प्रॉपर उसको सीखने के अवसर मिलेंगे। बिल्कुल मूल उद्देश्य आपका अवसर देना है। डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए उसे टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्द का प्रयोग स्वयं करेंगे। तो मातृभाषा चूंकि कक्षा हिंदी की कक्षा है, अगर उसके मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो और बच्चे क्या करेंगे। अब आपको समझ में आ गई होगी कि हिंदी भाषा में ही दोहराना है, हिंदी भाषा चूंकि हिंदी भाषा की कक्षा है तो हिंदी भाषा में दोहराना है, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोहराएंगे, वाक्य दोहराएंगे। चलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का विकास, भाषा संरचना का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, सृजनात्मकता भाषा प्रयोग का विकास, ये चार विकल्प दिए गए हैं। मैंने हमेशा अपने सभी टॉप 10 में एक क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो कहिए तो मैं इसको बता दूं भाई, या तो आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि तमाम जो इष्ट मित्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर थोड़ा सा डेट बढ़ा दीजिए, और जैसा कि आप लोगों की जो फीस है 3,090 रुपये सीटेट की ऑनलाइन की फीस है आप जानते हैं, और ये फीस जो कर दी गई है ये 2,090 रुपये कर दी गई है, यानी आपको 1,000 रुपीज की छूट दी जा रही है, और इसकी लास्ट डेट आपके रिक्वेस्ट पे इसकी लास्ट डेट आप बढ़ा दी जा रही है ये 20 मई, तो 20 मई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ये लास्ट चांस हम आपको दे दे रहे हैं, तो 2,090 रुपये वही फीस रहेगी और लास्ट डेट 20 मई, यानी अब आप जो भी इष्ट मित्र जो बचे हैं, देखो यार केवल अपने बारे में नहीं सोचते, आप हमें भी देख, हमें ही देख लो, हम कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे भाई बहन मतलब आशीर्वाद दे रहे होंगे कि सर हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जरूर उनका एक प्रेम आशीर्वाद जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से तो बहुत हेल्प की गई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी हेल्प की गई है, जो गरीब हैं, जो एडमिशन नहीं भी ले पा रहे हैं उनके भी हमने बहुत सारी हेल्प की है, और वो हमारे भाई बहन, हमारे मित्र जानते हैं, ये बातें जानते हैं, तो ये हम आपको अवसर दे रहे हैं 20 मई तक आप एडमिशन ले सकते हैं, जो नहीं भी ले पाते हैं उनकी भी हम हेल्प, उन भाई बहनों की भी मदद हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, बिल्कुल यहाँ पे पूरा लेक्चर दिया गया सभी पार्ट्स के, चाइल्ड साइकोलॉजी, और आपको पुराने मतलब जो भी वीडियोज हैं सारे मिल जाएंगे आपको, मैथ तो पवन सर जबरदस्त, आपको लगता है समस्या है मैथ में नहीं समझ में आता, मतलब एक एक चीजें क्लियर करके सर ने पढ़ाया हुआ है, बहुत जो है चाइल्ड, अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी देखिए आरपी सर ने बहुत एकदम क्लियर करके, इसी तरह से आप आशीष सर ने पर्यावरण, मतलब हर टॉपिक आपको वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, ठीक है, इतने कम फीस में और क्या चाहिए आपको बताइए, इससे ज़्यादा मतलब इतने कम फीस में आपको सब कुछ मिल जा रहा है। ओके, तो बिल्कुल अभी भी नहीं लिया है तो आप मेरे कहने पर आप एडमिशन निसंकोच आप करा सकते हैं, एक अवसर आपको और, यस आपके लिए आपका भाई समर्पित भाव से आपकी हेल्प, मदद आपकी की जा रही। देखिए समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का विकास, भाषा संरचना का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास। तो भाई यहां पे आप देखिए समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, देखो बाल साहित्य से होता क्या है ना, बालक कल्पना में खो जाते हैं, जहाँ बाल साहित्य ये अच्छा ये ऐसे ये हुआ मंकी, कहने का मतलब समृद्ध बाल साहित्य बालक जो है कल्पना में, उनके कल्पना शक्ति का क्या होता है, सबसे मेन जो विकास होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बच्चे कल्पना में तो कल्पना करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, भाषा का कल्पना के साथ भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों आप सबकी, मेरे भाई बहनों आप सबकी, अगर आपको लगता है कि आपका भाई बहन आपकी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी पर निर्भर करता है
कि कितने स्टूडेंट्स ने, कितने मित्रों ने देखा। अगर मैक्सिमम भाई बहन देखते हैं तो और जल्दी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी वीडियो बनाऊं, आप मुझे प्रेरणा देना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं, तो जितने भी ग्रुप हों कम से कम 5 गरीब मित्रों को जरूर भेजिए। अगर नहीं भेज पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 गरीब मित्रों को जरूर शेयर करना है, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट भी वो आधार होता है जिसके आधार पर मैं आपको और अधिक वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपकी और मदद करे और हेल्प करे तो जरूर हमें मोटिवेट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।